हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होने वाला हूं। ये 12th क्लास जो बिहार बोर्ड के अंतर्गत रेनबो पार्ट टू एक बुक है अंग्रेजी का, जिसको पढ़ना है। उसी रेनबो पार्ट टू के में दो सेक्शन है, पोएट्री एंड प्रोज, जिसमें हम जिक्र करें पोएट्री सेक्शन का। पोएट्री सेक्शन में फर्स्ट जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जी सही सुन रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो पोयम है हम लोग इसी के बारे में आज जानेंगे, जिक्र करेंगे। इसलिए आप पूरे पोयम को समझने के लिए पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक, जिसमें जिक्र करेंगे अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोयम है, इस कविता को लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन, जी जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म यानी वे जन्म बर्म जन्मे थे 1572 एंड और वे यानी उनका देहांत हो गया था, वे डेथ कर गए थे 1631 यानी 1572 में जन्मे और 1631 में डेथ कर गए। और इनके बारे में हम लोग जानना है ठीक है, तो कुछ लिख दिया जाए जिसे आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाए। देखिए, हम लोग उस कवि के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, यानी जॉन डॉन। यानी जॉन डॉन का जिक्र, अगर आप जॉन डॉन की कविता को बढ़िया से पढ़िएगा, उनके बारे में जानिएगा, तो आपके अंदर एक अलग हलचल हो जाती है। इस कविता का जो टाइटल ही दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, थोड़ा सा हम कवि के बारे में जिक्र कर देते हैं। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रॉस्परस रोमन फैमिली। जॉन डॉन लंदन में जन्मे थे, लंदन इंग्लैंड का एक शहर है, वहां उनका जन्म हुआ था, वो भी एक रोमन कैथोलिक फैमिली में। याद रखिएगा, यह प्रॉस्परस रोमन, दैट मीन्स यहां कैथोलिक छूट गया है, कैथोलिक लिख लीजिएगा, कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ है। अब ये जो कैथोलिक खुद एक धर्म है, और उस समय जब इनका जन्म हुआ था, व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, इंग्लैंड जो था जहां इनका जन्म हुआ था, जिस देश में, और ये उसी देश के लंदन शहर में इनका जन्म था, और लंदन वहां पर पूरे इंग्लैंड में उस समय जो इंग्लैंड वासी थे, इंग्लैंड के लोग जो थे, एंटी कैथोलिक कहने का मतलब ये हुआ कि वे जो थे कैथोलिक धर्म के विरोध में थे, कैथोलिक धर्म के विरोध में थे। उसी समय इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, यानी प्रॉस्परस रोमन फैमिली। उसके बाद आगे कहा जाएगा, डॉन वाज फोर्स्ड, देखिए ये धर्म की वजह से इनके साथ क्या होता है, डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी इनका अध्ययन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चल रहा था, पढ़ाई लिखाई वहीं से करते, लेकिन उन्हें यानी जॉन डॉन को, डॉन वाज फोर्स टू लीव, उन्हें जबरदस्ती छोड़ना पड़ा, छुड़ा दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, यानी वहां से विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री लिए हुए, पढ़ाई तो किया वहां से, ग्रेजुएशन के जो भी डिग्री लेना था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री नहीं भी हासिल नहीं कर पाए। कारण क्या रहा? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन,
केवल उनके धर्म के कारण उन्हें उस यूनिवर्सिटी से यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया गया, निकाल दिया गया, बिना डिग्री के निकाल दिया गया जॉन डन को, केवल धर्म के वजह से। हम लोग कहते हैं कि यहां पर धर्म है, सोचिए कि वहां ये जो कवि थे 17th century के कवि थे, 17वीं सदी के कवि थे, और यहां पर डॉन वाज, फिर डॉन को क्या, एक बार इसके बाद देखिए पूरा अगर कहानी पढ़ेंगे तो हमको लग रहा है कि इनके कहानी अगर पढ़ेंगे तो 5-6 का वीडियो बन जाएगा, लेकिन हम लोग को टारगेट है कि जो 12th में आ सके उसी से रिलेटेड जानना है। डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रोन्स नीस एंड मोर। जॉन को एक बार जेल भेज दिया गया, जेल भेजने का कारण क्या रहा है? कि जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, उन्हें जो है थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया फॉर सीक्रेटली। किसके किसकी वजह से फॉर सीक्रेटली? क्योंकि चुपके से, सीक्रेटली चुपके चुपके बिना किसी से कहे क्या किए थे, मैरिज शादी कर लिए थे हिज पैट्रोन्स। पैट्रोन्स वो होता है जो आश्रयदाता होता है, जिसके घर आप रह रहे हैं, और उन्हीं घर बिना कहे, जिसके पैट्रोन्स नीस यानी जो आश्रयदाता है उन्हीं के घर उनकी जो भतीजी रहती है उस भतीजी से ये चुपके से शादी कर लेते हैं, जिससे वो जानते हैं जो उसके आश्रयदाता वो क्या करते हैं, केस कर करके इसे जेल भेज दिया जाता है। यानी उस औरत का क्या नाम रहता है जिससे, जिस लड़की से शादी करते हैं, एन मोर या सकता है ऑब्जेक्टिव में, एन मोर या सकता है। दूसरा चीज, एक और चीज जानेंगे कि उन्हें जो है जेल किसके द्वारा भेजा गया, कौन भेजने काम किए हैं, पैट्रोन्स, क्योंकि डॉन ने, जो डॉन थे जॉन डॉन, वे उनकी भतीजी से चुपके से शादी कर लिए बिना किसी को सूचना दिए, इसलिए थोड़े, लेकिन लीगल रूप से ये शादी किए थे इसलिए वे ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं गुजारे, कम समय में ही वो जेल से निकल गए थे, क्योंकि इलीगली शादी नहीं किए थे। एक तरह से वो चर्च में जाकर के अपना जो करना था, यही नहीं, जो चर्च में गए थे जो वहां शादी किया था वो भी साथ में जेल गए थे, कहानी पड़ेगा तो आएगा पूरा, लेकिन यहां जो है कुछ समय के लिए, लेकिन एन मोर जो इनकी पत्नी वो बन गई, जो एन मोर जो थी पैट्रोन्स की भतीजी थी, उन्हीं से ये शादी की थी चुपके से। डॉन इज कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट, डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट वो होता है जो दुखांत सुखांत, कहने का मतलब यह है कि एक ही प्रकार की कविता ना लिखे, ये प्राकृतिक से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, और एक कविताओं को ये चर्चा करते रहते थे, और ऐसे भी मेटाफिजिकल का जो है, मेटाफिजिकल जो शब्द का बताया गया कि मेटाफिजिकल कवि है, वो 1600 ईस्वी में ही आया था, और ये उस समय के जो 17वीं शताब्दी के कवि थे ये टॉप, आज भी मेटाफिजिकल में इनका नंबर वन रहता है, और कवि हैं लेकिन इनका स्थान अलग ही है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, डॉन को, जो डॉन है जॉन डॉन, जॉन डॉन को अच्छे तरीके से जाना जाता है फॉर हिज सॉन्ग्स, उनके संगीतीय, संगीत कहने का मतलब जो संगीतीय कविता होता है उसके लिए जाना जाता है, एंड सोनेट। सर सोनेट क्या होता है? सोनेट जो होता है, सोनेट 14 पंक्तीय कविता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 14 पंक्तीय जो कविता होता है उसको सोनेट्स कहा जाता है, 14 लाइन की जो कविताएं होती है उसको सोनेट्स पोएम्स कहा जाता है। उस टाइप की कविताओं के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। एंड इलिज, इलिज कहने का मतलब ये हुआ कि जो शोक गीत होता है, ये नहीं कि खाली खुशी वाला गाना गाते रहते थे, नहीं, शोक गीत को भी ये क्या करते थे, गाते थे। एंड सरमंस, सरमंस के सर, सरमंस क्या होता है, प्रवचन, ये क्या करते थे कि उसके बाद ये जो शोक गीत भी इनके माध्यम से उसके लिए प्रसिद्ध थे, और ये जो थे प्रवचन भी दिया करते थे उसके लिए भी प्रसिद्ध हो गए। ये तो रहा जॉन डॉन के बारे में, लेकिन हम लोग किसके बारे में मुख्य रूप से जानना है,
हम लोग को जानना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस कविता के बारे में जानना है। ठीक, फिर मैं आपको अगला वीडियो में मिलता हूं उस कविता के साथ जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, दो तीन यहां से बनने वाला है। हालांकि इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है, यानी जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ, 1572। ये डेथ कब किए थे, 1631 में। उसके बाद और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग किए थे, रोमन कैथोलिक फैमिली, किसे जी, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग किए थे। उस समय कैथोलिक के विरोधी था कौन लोग, इंग्लैंड के लोग थे, एंटी कैथोलिक कौन थे, इंग्लैंड के लोग थे। उसके बाद ये अपना अध्ययन कहां किए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। क्या वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए थे, नहीं, वे डिग्री नहीं, विदाउट डिग्री उन्हें जबरन हटा दिया गया था कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। और एक और यहां से उन्हें जेल भी भेजा कुछ समय के लिए। क्यों जेल भेजा गया था, क्योंकि ये चुपके से पेंट्रॉन्स के जो भतीजी थी, पेंट्रॉन्स वो होते हैं जो आश्रयदाता, आश्रय जो देते हैं, तो जो आश्रयदाता थे उनके भतीजी से ये शादी कर ली थी चुपके से, इसके वजह से उन्हें कहां भेजा गया था, जेल भेजा गया था कुछ समय के लिए। उसके बाद इनको ये भी कहा जाता है मेडक, यानी जॉन डॉन को क्या कहा जाता है, वो कैसे कवि थे, मेटाफिजिकल पोयम पोएट्स थे। ये आएगा मेटाफिजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। डॉन इज वेल नोन, और इसे अच्छे से जाना भी, इन्हें जाना जाता है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, एलिक्स के लिए एंड सर्मन्स के लिए भी जाना जाता है। ठीक, इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं, फिर अगला वीडियो में मैं जिक्र करूंगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो।